students, today we are going to discuss about life cycle of the plasmodium, means disease ka naam malaria. इस वाले चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं कि मलेरिया क्या होता है. इस पर क्वेश्चन आता है कभी कभी. ठीक, मलेरिया, ये जो मलेरिया है एक्चुअल में ये डिजीज है, बट इसका जो पैथोजन है मलेरिया का, मलेरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन इज द प्लाज्मोडियम. अब जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं. बेसिकली इसमें 4 स्पीसी हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, सेकेंड वन प्लाज्मोडियम ओवेल, नेक्स्ट वन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये मोस्ट कॉमन है. सबसे ज़्यादा इसी टाइप का मलेरिया मिलता है, मोस्ट कॉमन मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. एंड नेक्स्ट वन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये फैल्सीपैरम मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ये. ठीक, मींस जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसी होती हैं. नंबर वन प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ओबेल, वाइवैक्स एंड फैल्सीपैरम. इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वाइवैक्स, और सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. अब इनसे जो मलेरिया बनते हैं, देखिए अब क्वेश्चन होता है कि ये तो पैथोजन हो गया, पैथोजन के बाद अब इनसे कौन कौन सा मलेरिया, मतलब ये मलेरिया को प्रोड्यूस करने वाला पैथोजन है. तो तुम जानते हो कि जैसे इनसे कौन सा मलेरिया होगा, पैथोजन ऑफ द मलेरिया इज द प्लाज्मोडियम कॉमनली, बट प्लाज्मोडियम की तो यहाँ पर 4 स्पीसी है, तो इनसे कौन सा मलेरिया होगा वो देखिए. तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनसे जैसे प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, ये तो क्या हो गया, मलेरियल पैरासाइट. और इससे डिजीज कौन सा होता है, कौन से टाइप का मलेरिया होता है, तो जैसे अपन ने कहा वाइवैक्स है मोस्ट कॉमन, तो वाइवैक्स से जो मलेरिया होता है वो होता है बेनाइन टर्सियन, बेनाइन टर्सियन ये मलेरिया का टाइप है. मींस ये मलेरिया है, ये क्या है, पैथोजन 4 और इनसे होने वाला मलेरिया. तो मोस्ट कॉमन जो वाइवैक्स है इससे कौन सा मलेरिया होता है, बेनाइन टर्सियन. ये थोड़ा सा याद रखिए, हालांकि इतना एग्जाम में नीट में नहीं आता है, बट फिर भी पैरासाइट यदि अपन को मालूम है, उसका स्पीसी मालूम है प्लाज्मोडियम की, तो उसके साथ उसे होने वाला कौन सा मलेरिया ये थोड़ा याद रहना चाहिए. दूसरा प्लाज्मोडियम जो अपना ओबेल है, ओबेल के द्वारा कौन सा होता है, इससे होता है माइल्ड टर्सियन, माइल्ड टर्सियन मलेरिया. ठीक है, माइल्ड टर्सियन मलेरिया, इससे बेनाइन टर्सियन मलेरिया हुआ. अब सबसे डेंजरस कौन सा है, फैल्सीपैरम. तो यहाँ जो मलेरिया ही है इससे होता है क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया. अब बच गया सबसे डेंजरस फैल्सीपैरम, ये सबको पता है और तुम थोड़ा इसमें जानते भी हो कि जो फैल्सीपैरम है इससे कौन सा मलेरिया पैदा होता है, इससे होता है मैलिग्नेंट टर्सियन, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया. सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं उसको, सेरेब्रल मलेरिया और ट्रॉपिकल मलेरिया, ऑल्सो कॉल्ड सेरेब्रल और ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल मलेरिया। चलो एक राउंड में अपने में पहला ये हुआ कि मलेरिया का जो पैरासाइट है, पैथोजन है, वो प्लाज्मोडियम होता है, और इस प्लाज्मोडियम द्वारा कौन सा मलेरिया होता है ये थोड़ा अपने को आइडिया मिला। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, पैथोजन है, इसकी जो पैथोजन है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ये होती है डाइजेनेटिक, मींस डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक मींस क्या होता है? मोनोजेनेटिक वर्ड यूज किया था। मोनोजेनेटिक का मतलब जब किसी पैथोजन का एक होस्ट होता है उसमें ही पूरी लाइफ साइकिल पूरी होती है, उसमें कंप्लीट होती है, लेकिन जब किसी पैथोजन की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो, मींस इसके टू होस्ट होंगे, तब वो डाइजेनेटिक होगा। अब डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब है टू होस्ट, दो होस्ट चाहिए इसके लिए। दो होस्ट में देखें, नंबर वन प्राइमरी होस्ट इसका, एंड सेकंड वन सेकेंडरी होस्ट। क्या क्या है इसका? प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर, बायोलॉजिकली यदि बात करें अपन, कोई भी पैथोजन यदि अपनी लाइफ साइकिल का सेक्सुअल पार्ट, मींस सेक्सुअल साइकिल इज कंप्लीटेड, सेक्सुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन प्राइमरी होस्ट, बट सेकेंडरी होस्ट वो होगा जिसमें ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी बायोलॉजिकली। बट इन केस ऑफ मलेरिया, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ साइकिल में भी दो होस्ट हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शनली, इसमें याद रखना ये, एक्सेप्शनली इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होता है इसका ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट है इसका फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज की लाइफ साइकिल, बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल पूरी होगी, तो वो सेकेंडरी, इसकी सेकेंडरी होस्ट हुआ। तो क्वेश्चन पहला ये बना कि प्राइमरी होस्ट कौन है इसका? प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट कौन है? फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज इसको, इसका कैरियर वेक्टर है, इसको अपन फीमेल एनोफिलीज को कैरियर वेक्टर भी बोलते हैं इसका, ठीक है। अब दूसरी बात आती है इसमें कि इस ह्यूमन में इसका कौन सा पार्ट कंप्लीट होता है। तो इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, ए सेक्सुअल साइकिल और साइजोगोनी, ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है। साइजोगोनी मींस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल साइकिल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड साइजोगोनी। अब इस साइजोगोनी में क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्री वे अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा, तो कहाँ पर कंप्लीट होती है, ये भी क्वेश्चन दूसरा आया हुआ नीट में। तो ए सेक्सुअल साइकिल और साइजोगोनी अकर इन लिवर, लिवर के अंदर ही अपना नंबर बढ़ाता है, तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन लिवर भी होगा। दूसरा, ये नंबर बढ़ाता है किसके अंदर? इनसाइड आरबीसी। तो लिवर एंड आरबीसी दोनों में साइजोगोनी होगी, मींस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके थ्रू अपना नंबर बढ़ाएगा। अब जो लिवर होता है, देखिए इस लिवर में अपना जो नंबर बढ़ेगा इसका, तो अपन आगे अभी इस पर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में लिवर के अंदर कौन सी स्टेज आती है। तो आंसर आता है स्पोरोजॉइट। ये अभी इस बार नीट 2000 का क्वेश्चन है, नीट 2000 का एक क्वेश्चन है, विच वन स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, विच वन स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम एंटर इन ह्यूमन।
तो ह्यूमन में एंटर करती है। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन, इसको इस स्पोरोजॉइट को क्या कहेंगे, इन्फेक्टिव स्टेज। ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम है। ये स्टेज ह्यूमन में आती है, ब्लड में आती है, ब्लड के थ्रू लिवर में जाती है। तो लिवर में ये अपना नंबर बढ़ाता है बाय द एसेक्सुअल प्रोडक्शन। अब ये स्पोरोजॉइट लिवर में जा करके बनाता है, देखिए क्या, क्रिप्टोजॉइट। क्या बनाएगा? क्रिप्टोजॉइट। और ये क्रिप्टोजॉइट अब बाद में किसके अंदर एंटर करता है, आरबीसी में। तो अब आरबीसी में ये जो क्रिप्टोजॉइट है, ये इसको वहां नाम देते हैं साइजोंट, दैट इज कॉल्ड साइजोंट। ये अभी अपन डायग्राम से देखेंगे और भी स्टेजेस जिसमें आती हैं। अब बाद में जाकर के जो फीमेल मॉस्किटो है वो जब ह्यूमन का ब्लड सक करती है, तो इस ब्लड के थ्रू ये स्टेजेस साइजोंट के बाद में आगे माइक्रो एंड मैक्रो क्रिप्टोजॉइट भी होते हैं, वो एंटर करते हैं किस में, फीमेल एनोफिलीज में, इन्हें माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में होता है इन स्टेजेस के बाद में। क्रिप्टोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट कन्वर्ट इनटू द साइजोंट, साइजोंट आगे इसमें इससे बनते हैं माइक्रो माइक्रो गैमेटोसाइट, माइक्रो गैमेटोसाइट। ये होता है माइक्रो मींस मेल गैमेटोसाइट, और दूसरा मैक्रो गैमेटोसाइट, मैक्रो गैमेटोसाइट होता है फीमेल। मैक्रो मींस साइज बड़ा होगा, इससे बनेगा एग और इससे बनेगा स्पर्म। तो स्पर्म और एग को बनाने वाली जो सेल है उसका फॉर्मेशन तो ह्यूमन बॉडी में होगा एट मिडनाइट। इनका जो सिंथेसिस है, ये जो दोनों बनते हैं एट मिडनाइट, ये मिडनाइट में बनेंगे, मिडनाइट के समय बनते हैं, मध्य रात्रि के दौरान इनका सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर एट अ लो टेम्परेचर। बट जैसे जैसे मॉर्निंग होती है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उस समय यदि उससे पहले मिडनाइट में यदि मॉस्किटो इनको सक कर लेता है, तो देखिए अब क्या होगा, ये दोनों कहाँ जाते हैं, इन द फीमेल एनोफिलीज के थ्रू सक कर लिए जाते हैं। और ये दोनों पहुँचते हैं कहाँ, इन स्टमक, स्टमक के अंदर, इस फीमेल मॉस्किटो के स्टमक के अंदर दोनों पहुँचते हैं। स्टमक के अंदर अब क्या होता है, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर फीमेल मॉस्किटो का टेम्परेचर मेल ह्यूमन के कंपेयर में कम होता है। ये हाई टेम्परेचर पर तो इनएक्टिव रहता है, बट लो टेम्परेचर पर एक्टिव हो जाता है। तो ह्यूमन में एक्टिव क्यों नहीं हुआ, गैमेटोसाइट बना बट एक्टिव नहीं हुआ, बिकॉज हाई टेम्परेचर मीन्स ये जो दोनों हैं ये इनएक्टिव, इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव एट हाई टेम्परेचर। तो ह्यूमन में हाई टेम्परेचर पर इनएक्टिव रहते हैं, बट ये सक कर लिए गए, ये सक हुए, सक बाय द फीमेल मॉस्किटो थ्रू द ब्लड, सक थ्रू द ब्लड, अब स्टमक पे पहुंच गया ब्लड, तो स्टमक में लो टेम्परेचर पर एक्टिव हो जाते हैं गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट अब देखिए एक्टिव होकर क्या करेगा, ये जो मेल गैमेटोसाइट है, फॉर एग्जांपल ये मेल गैमेटोसाइट है और ये फीमेल गैमेटोसाइट है, देखिए बात को समझिए, ये दोनों पहले स्टमक में जाते हैं, फिर स्टमक में लो टेम्परेचर पर एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने से देखिए क्या होगा, ये इसका स्टमक के अंदर अपन बात करके देख रहे हैं समझने के लिए, ठीक। तो अब क्या होगा इन स्टमक एट लो टेम्परेचर, इस माइक्रो से बनेगा स्पर्म और मैक्रो से बनेगा ओबा और एग। स्पर्म और एग का बनना स्पोरोगोनी, यानी सिंथेसिस ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड स्पोरोगोनी। अब देखिए स्पोरोगोनी मींस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म,
माने स्पोर, एग एंड स्पर्म को स्पोर कहते हैं, तो स्पोर का बनना स्पोरोगोनी है। और ये जो स्पोरोगोनी है यही कौन सी साइकिल है, यही है सेक्सुअल साइकिल। तो सेक्सुअल साइकिल अगर सेकेंडरी होस्ट जो एनोफिलीज है इसकी बॉडी में कौन सी साइकिल होगी, सेक्सुअल साइकिल। लिवर एंड आरबीसी के अंदर ये अपना नंबर बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, साइजोगोनी। साइजोगोनी का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोरोगोनी ये किस में होगी, सेकेंडरी होस्ट एनोफिलीज के स्टमक में एट लो टेम्परेचर। जब स्पर्म एंड एग बनेगा तो नेचुरली है इन दोनों का यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जायगोट। अब ये जायगोट स्टमक के अंदर ही होता है, जायगोट बाद में साइज में बड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ओकाइनेट। ओकाइनेट बनता है। अब ये ओकाइनेट देखिए, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही थी, ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है, इन स्टमक, इन स्टमक, स्टमक के अंदर होता है सारा। स्टमक से बाहर आता है ओकाइनेट, ये ओकाइनेट बाहर आता है स्टमक से। ओकाइनेट फूड कलेक्ट करके अपने चारों तरफ सिस्ट डेवलप कर लेता है, और इसका ये न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड ओसिस्ट। ये ओसिस्ट है, तो ओसिस्ट कहाँ मिलेगा, आउटसाइड ऑफ द स्टमक। स्टमक के बाहर कैविटी कौन सी है, सिलोमिक कैविटी में मिलेगा। फिर इसका ये जो ओसिस्ट है इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। ओसिस्ट बाद ये इसको डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, और रोनाल्ड रॉस को इसके लिए नोबल प्राइज दिया गया था। इनको रफ सरफेस स्टमक की आउटर साइड में कुछ रफ बॉडीज मिली, दैट इज कॉल्ड ओसिस्ट। अब इस ओसिस्ट का जो न्यूक्लियस है देखिए, ये ओसिस्ट है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। तो इसके अंदर बहुत सारे नियर अबाउट 10,000 ये 10,000 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 10,000 न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियर बन गए। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये जो ओसिस्ट है, ये ओसिस्ट अब ओसिस्ट क्या होगा, ये फट जाएगा। ओसिस्ट के फटने से न्यूक्लियस विद लिटिल साइटोप्लाज्म, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, 10,000 न्यूक्लियस है, और ईच न्यूक्लियस के पास में ये थोड़ा सा लिटिल साइटोप्लाज्म है, ये दिस इज लिटिल साइटोप्लाज्म। तो अब ये होल स्ट्रक्चर, इनमें से जो ईच स्ट्रक्चर इनसाइड द ओसिस्ट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये अब क्या रिलीज हो रहे हैं, स्पोरोजॉइट। ओसिस्ट ब्रेक हो गया, ओसिस्ट के ब्रेक होने से इस वाले केस में क्या हुआ है, ओसिस्ट बस्ट हो गया, और ओसिस्ट बस्ट होने से अब ये स्पोरोजॉइट रिलीज इन सीलोमिक कैविटी। ये सीलोमिक कैविटी है, सीलोमिक कैविटी के अंदर रिलीज हो गए। अब क्या होगा आगे जाकर के, ये स्पोरोजॉइट अब स्टोर्ड हो जाते हैं इन द सेलाइवरी ग्लैंड। ये सेलाइवरी ग्लैंड है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये स्पोरोजॉइट स्टोर्ड हो गए, स्पोरोजॉइट का स्टोरेज हो गया ये। अब ये जो स्पोरोजॉइट है मींस, अब स्पोरोजॉइट किसके अंदर है, स्पोरोजॉइट स्टोर्ड इन सेलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो गए।
अब आप देखिए, जब ये ह्यूमन को शक करेगा तो अब ये स्पोरोजॉइट थ्रो सलाइवा के थ्रू स्पोरोजॉइट किस में आएगा? इन ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है? आंसर आता है स्पोरोजॉइट। ये देखिए, वही स्पोरोजॉइट है। तो एक रफ आइडिया हो गया कि आखिर इसकी सेक्सुअल साइकिल, ए सेक्सुअल साइकिल क्या होती है। अब आप देखिए, फिर इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद अपन डायग्राम से दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, सारा हटा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये था कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है, और इस प्लाज्मोडियम का कैरियर वेक्टर होता है फीमेल मॉस्किटो। इस प्लाज्मोडियम की चार स्पीसी होती हैं, मलेरियाई, ओबेल, बाइवैक्स एंड फैल्सीपैरा, जिनमें मोस्ट कॉमन होती है बाइवैक्स और मोस्ट डेंजरस होती है फैल्सीपैरा। इनके थ्रू जो मलेरिया पैदा होता है, मलेरिया स्पीसी द्वारा मलेरिया का टाइप है क्वार्टन, ओबेल के थ्रू माइल्ड टर्सियन, वाइवैक्स के थ्रू बेनाइन टर्सियन जो सबसे कॉमन मिलता है, और फैल्सीपैरम के थ्रू मेलिग्नेंट टर्सियन और सेरेब्रल और ट्रॉपिकल मलेरिया। अब इस प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक होती है, इट मीन्स इसके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंड होस्ट। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड साइजोगोनी, जो लिवर और आरबीसी दोनों में होती है। यहाँ रहकर ये अपना नंबर बढ़ाता है, लिवर के अंदर इसका नंबर बढ़ता है, उसे क्रिप्टोजॉइट कहते हैं। बाद में क्रिप्टोजॉइट एंटर करते हैं आरबीसी में, तो वहाँ वो बन जाते हैं साइजोंट में। साइजोंट आगे ब्रस्ट होकर के एट मिडनाइट लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे क्या बनाता है? माइक्रोगेमिटोजेनेसिस एंड मैक्रोगेमिटोसाइट। गेमिटोसाइट बन जाता है, बट गेमिटोसाइट का एक्टिव होना कहाँ पॉसिबल होता है? ओनली एट द लो टेम्परेचर, जो सेकेंड होस्ट फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में आते हैं सक के थ्रू, ब्लड के थ्रू। ह्यूमन में इनएक्टिव होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। फिर जो फीमेल मॉस्किटोस के स्टमक के अंदर स्पोरोगोनी होती है, स्पोरोजेनेसिस होती है, जिसमें स्पर्म बनता है, एग बनता है इन सेल के एक्टिव होने से। उसके बाद जायगोट फर्टिलाइजेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओकाइनिड बनता है। ये सारा कहाँ पर होता है? इनसाइड स्टमक। स्टमक के बाहर जो सीलोमिक कैविटी है उसमें पाए जाते हैं ओसिस्ट, माइटोटिकली डिवाइड होता है न्यूक्लियस, बाद में जा करके बस्ट हो जाता है। ये छोटे छोटे स्पोरोजॉइट कहलाते हैं, जो कहाँ स्टोर हो जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में, और सलाइवरी ग्लैंड से वापस ह्यूमन में एंटर करते हैं थ्रू द सलाइवा। ये एक जनरल आइडिया हुआ।